हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं। तो जरूर देखिएगा आज की वीडियो को, और आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे कथन निष्कर्ष के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं ये सभी टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करा दी हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 20 टेस्ट 120 रुपये में, आरपीएफ एसआई के लिए भी और ग्रुप डी के लिए भी और यूपी वीडियो के लिए भी, एएलपी सीबीटी 2 के लिए भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका जो कोने में त्रिभुज का ये साइन बना होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। ये सभी टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप इन 20 टेस्ट को एग्जाम देने से पहले लगा के जाते हैं, ठीक है। डिस्काउंट कोड आपका यह है, इसको भर के आप 30 रुपये का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा तो देखेंगे जरूर और लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। देखिए यार, लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए लगातार वीडियो बनाने का। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया बेसबॉल, तो नेक्स्ट आपको बताना है। जैसे आप सभी जानते हैं कि इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, तो उसी तरीके से बेसबॉल जो है आपका अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। चलिए, ये बहुत सारे सिंपल से क्वेश्चन है जो कि मैं आपको फटाफट करा देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले आ चुके हैं आरपीएफ के एग्जाम में, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भेड़ मटन मुर्गा। तो जैसे भेड़ का जो मीट होता है वो मटन होता है, और मुर्गे का क्या होता है, चिकन होता है, तो आपका चिकन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साथ साथ में आप ट्राई करते रहिएगा भाई, ठीक है, वीडियो को रोक करके आपका जो भी राइट आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, CIQY और नेक्स्ट आपका DJRZ लिखा जा रहा है, तो AGOW को क्या लिखा जाएगा। तो वो ही बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आपको ये पता होगा कि अल्फाबेट नेक्स्ट कौन सा आता है। जैसे देखिए, सी से नेक्स्ट क्या आता है, डी, आई के बाद जे, क्यू के बाद आर, वाई के बाद जेड। तो बिल्कुल यही सिंपल तरीका है, यानी कि प्लस वन की सीरीज हम बोल सकते हैं चल रही है यहाँ पे। तो ए के बाद आपका क्या आएगा, बी आएगा, जी के बाद आपका क्या आएगा, एच आएगा, ओ के बाद आपका क्या आएगा, पी आएगा, और डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा। तो बी एच पी एक्स इज द राइट आंसर, यानी कि देख लीजिए ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, उसमें भी कुछ इसी तरीके से चल रहा है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, अगर आपको अल्फाबेट के नंबर्स याद नहीं हैं तो या तो याद करिए, या फिर ए से एम तक, और एम के नीचे एन, और एन से जेड तक, इस तरीके से लिख लीजिए, उनके ऊपर नंबर डाल लीजिए, तो आपके कई क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जरूर कर लिए अब आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। जब एक रफशीट मिलती है ना, रफशीट पे लिख लीजिए जाते ही। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे +6 चल रहा है। सी में हमने +6 किया तो आई आ गया, ए में +6 किया तो जी आ गया, एफ में +6 किया तो एल आ गया, और डी में +6 करेंगे तो आपका जे हो जाएगा। उसी तरीके से आपका ओ एम आर पी को यहाँ पे लिखना है +6 करके, तो ओ में +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, एम में +6 करेंगे तो एस आ जाएगा, आर में +6 करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और पी में +6 करेंगे तो वी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू एस एक्स वी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ आंसर कर रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वह समुच्चय कौन सा है जो दिए गए समुच्चय 1, 5, 12 के सदृश है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो सीरीज जो भी इसमें फॉलो हुआ है वो इन चार ऑप्शन में से किस में फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, 5 + 6 और 6 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी तो 12, ठीक है। बिल्कुल आपको एक ऐसा ही पैटर्न फाइंड आउट करना है इन चार ऑप्शन में, चारों में से एक ही मिलेगा ऐसा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 7 और 11 कितना हो जाएगा, 18, 18 × 36 यानी कि ये तो नहीं हो सकता। फिर अगर मैं इसकी करूँ 8 और 4 = 12, 12 × 24 तो आपका ये बन गया। जैसे यहाँ पे 5 + 1 = 6 और 6 × 12, ये और ये आपका सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए जल्दी से, और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। यहाँ पे 16, 30 नेक्स्ट आपको बताना है, 79, 114 ये आपकी सीरीज है। सीरीज क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कुछ ना कुछ इंक्रीजिंग ही चल रहा होगा, या तो प्लस चल रहा होगा या फिर मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी से स्पीड हो जाएगी, स्पीड से ये सीरीज बढ़ेगी, तो कुछ ना कुछ प्लस चल रहा होगा, ठीक है। और प्लस कई तरीके से चल सकता है,
या तो एक कांस्टेंट मतलब प्लस कर दिया जाएगा कुछ कुछ, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्लस चलेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर इनका डिफरेंस चेक करके देखें यहाँ पे कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस चेक करके देखूँ तो यहाँ पे 35 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। तो डिफरेंस किस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इसमें आपने 14 प्लस किया, नेक्स्ट आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए 21। अगर 21 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 14 और 21। फिर नेक्स्ट आपका इनके बीच में 28। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 21 प्लस कर दूँ इसमें 30 में, तो कितना होगा यहाँ पे 51, और 51 में कितना प्लस होगा कि ये 79 में जाए 28। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैंने 35 बता ही दिया था डिफरेंस है। तो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 7 का इंक्रीमेंट करके नंबर ऐड किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि 14 प्लस किया, 21 प्लस किया 7 का इंक्रीमेंट करके। ठीक है, फिर उसके बाद 21 के बाद में यहाँ पे 28 प्लस किया यानी कि 7 का इंक्रीमेंट करके, फिर हमने यहाँ पे 35 प्लस किया यानी कि 7 का इंक्रीमेंट करके। इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से ट्राई करिए। यहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट ही हो रहा है, इंक्रीमेंट बहुत ही मतलब स्मॉल क्वांटिटी में है, बहुत ही छोटे छोटे नंबर ऐड हो रहे हैं, क्योंकि 1001 से 1027 तक ही पहुंच पाया है। अगर कोई मल्टीप्लाई चलती, स्क्वायर होता, क्यूब होता, तो वो तो अलग नज़र आता। ठीक है, मल्टीप्लाई में बहुत जल्दी जल्दी सीरीज इंक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस चल रहा है। प्लस होने के कई तरीके हैं, जैसे ऊपर अभी 7 का प्लस चल रहा था, ठीक है, जैसे 14, 21, और उसमें प्लस प्लस 7 होता चल रहा था। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे मैंने डिफरेंस चेक किया, यहाँ पे कितना आया, 3 आया। यहाँ पे मैंने डिफरेंस चेक किया, यहाँ पे कितना आया भाई, 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस चेक किया, यहाँ पे कितना आया, 15 आया। तो क्या मतलब सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे चल रही, यहाँ पे 5 प्लस हो गया, यहाँ पे 7 प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ 7 हुआ, यहाँ पे कितना होना चाहिए, फिर नेक्स्ट आपका 9 प्लस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो दो का प्लस चल रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए इनके बीच में 2 का है, इसके बीच में भी 2 का आना चाहिए, तो 9 प्लस होगा। 15 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और इस 1027 में जब मैं 24 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1051 आपका राइट आंसर बन जाएगा। भाई समझे ना आप इस सीरीज को, इस तरीके से कई सीरीज आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए जल्दी से। 8 बहुत ही सिंपल है, सीधा सा क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। इसे आप क्वेश्चन को डिफरेंस चेक करके भी कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है भाई, जल्दी से बताइए। 5 का है, ठीक है, फिर इनके बीच में डिफरेंस 5 का है, इनके बीच में डिफरेंस 5 का है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपका प्लस 5 चल रहा है, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, और नेक्स्ट आप प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 में प्लस 5 तो 28 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 5 33 प्लस 5 38, यानी कि 28 आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप भी साथ साथ में मेरे राइट आंसर करते हुए चल रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्सन में से कौन सा आरेखन निम्नलिखित के बीच सही संबंध को दर्शाता है, अपराधी, जज और चोर। देखिए जज एक बिल्कुल ही अलग हो गया, तो आपको एक वेन डायग्राम ऐसा देखना है जो इन दोनों से अलग हुआ। चोर और अपराधी एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इस ऑप्शन की डी की बात करूं तो कभी भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कंप्लीट रिलेशन को शो कर रहा है। जज बिल्कुल अलग है, जज कभी चोर नहीं हो सकता और जज कभी अपराधी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी देखा जाए तो ऑप्शन सी भी आपका नहीं हो सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ जज अपराधी है, कुछ जज चोर है, तो इस तरीके से भी नहीं हो सकता। ये तीनों चीज़ों को अलग अलग शो कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि चोर और अपराधी भी अलग अलग नहीं हो सकते, सभी के सभी चोर अपराधी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही शो हो रहा है, सभी के सभी जज जो आपका सभी के सभी चोर जो हैं ये अपराधी हैं, और जज एक अलग आपका इनसे बना दिया गया है वेन डायग्राम, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भाई समझे ना आप, सभी के सभी चोर जो होंगे वो अपराधी होंगे ना, तो जब सभी के सभी चोर अपराधी होंगे तो इनका तो ये बन गया और जज आपका अलग आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करता हूँ, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि नीले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरे का अर्थ पीला, पीले का अर्थ लाल और लाल का अर्थ सफेद है, तो हल्दी का रंग क्या होगा। तो हल्दी का रंग होता कैसा है, पीला होता है। पीले को देख लीजिए क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया हरे का पीला, पीले का अर्थ लाल, तो हल्दी यहाँ पे लाल हो जाएगा राइट आंसर।
समझे आपको। यहाँ पे देखिए कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये बोलते गए, बाद में बोला हल्दी का रंग कैसा होगा, तो हल्दी का रंग आप सभी को पता है पीला होता है, तो पीले को यहाँ पे क्या बोला गया वही आप बता दीजिए। पीले को लाल बोला गया तो लाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11वां, राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे जो बोला गया है पेल का जो कोड है 2134 के रूप में लिखा जाता है और अर्थ को इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपको नेक्स्ट बताना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है कि पी के लिए कोड 2 यूज हुआ है, ए के लिए 1 हुआ है, एल के लिए आपका 3 हुआ है, ई के लिए आपका 4 हुआ है, फिर यहाँ पे ई के लिए आपका 4 हुआ है, ए के लिए 1 हुआ है, आर के लिए 5 हुआ है, टी के लिए 9 हुआ है, एच के लिए 0 हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिख देना है भाई पी के लिए यहाँ पे कोड क्या यूज हो रहा है, पी के लिए आपने देखा 2 हो रहा है तो 2 लिख दीजिए, ई के लिए कोड देख लीजिए क्या यूज हो रहा है, ई के लिए आपने देखा 4 हो रहा है तो 4 लिख दीजिए, ए के लिए आपका 1 हो रहा है तो आपने 1 लिख दिया, ठीक है, आर के लिए आपका क्या कोड यूज हो रहा है तो आर के लिए आपका देख लीजिए 5 कोड यूज हो रहा है, एल के लिए आपका कोड क्या यूज हो रहा है 3 तो 3 लिख दीजिए, तो 24153 देख लीजिए आप कौन सा है 24153, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं जो इस तरीके से, बट हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को जानते हैं कि इस तरीके से भी कई चीज़ों की कोडिंग बन सकती है तो आपका ये राइट आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप कई बार यहाँ पे फंस भी जाते हैं कि यार ये कोड बनेगा कैसे। जब आप ये नहीं सोचोगे कि ये इस तरीके से भी कोड बन जाएगा तो आप दूसरे ही तरीके से सोचते रहेंगे ना, तो इस तरीके से भी कोड बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कथन निष्कर्ष का है। कथन है कि चूंकि इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है और उचित ध्यान दिया गया है, अतः किसान अच्छी फसल की आशा करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कथन में कि इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है और उचित ध्यान दिया गया है, तो वर्षा और उचित ध्यान दोनों का कॉम्बिनेशन बनके किसान सोच रहे हैं कि अच्छी फसल की आशा करते हैं, मतलब किसान जो है इस वर्ष अच्छी फसल की आशा कर रहे हैं। तो पूर्व धारण यहाँ पे क्या है, अच्छी फसल लेने के लिए अच्छी वर्षा ही एकमात्र कारण है, तो कट कर दीजिए, सोचिए मत, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया कि इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई और उचित ध्यान दिया गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के किसान सोच रहे हैं कि अच्छी आशा कर रहे हैं कि अच्छी फसल की आशा कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया, केवल यहाँ पे बोला गया अच्छी फसल लेने के लिए अच्छी वर्षा एकमात्र, तो एकमात्र नहीं है यहाँ पे, वर्षा ही एकमात्र अच्छी फसल लेने के लिए मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, चाहे वर्षा अच्छी हो अथवा नहीं, अच्छी फसल लेने के लिए किसान अत्यधिक सावधानी बरतते हैं। तो यहाँ पे वर्षा और उचित ध्यान देना दोनों के कॉम्बिनेशन बन के ही कंक्लूजन निकलना चाहिए, जो कि नहीं निकल पा रहा है। यहाँ पे बोला चाहे वर्षा अच्छी हो अथवा नहीं, तो ये भी आपका राइट नहीं बनेगा, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छी वर्षा भी होनी चाहिए और अच्छी फसल पे ध्यान भी देनी चाहिए, उसके बाद ही हम आशा कर सकते हैं कि अच्छी फसल होगी, ठीक है ना। अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो आप नहीं कर सकते आशा, तो ये दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को ट्राई करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है, अयोध्या का विवाद 350 वर्षों पृष्ठभूमि वाला है जो अल्पकाल में हल नहीं हो सकता। पूर्व धारणाएं क्या क्या दे रखी है, अयोध्या के विषय में कुछ समस्याएं हैं, तो ऑब्वियसली समस्याएं हैं तभी तो इतना लंबा चला है, तो ये आपका अंतर्निहित हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा, अयोध्या के विषय में कुछ समस्याएं तभी तो यहाँ पे हल नहीं हो रहा है। दूसरा बोला जाए समस्याएं के हल में लंबा समय लगेगा, तो ये सीधा सीधा सा मतलब आपका कथन ही बोल दिया गया है, क्योंकि कथन में बोला गया 350 वर्ष पृष्ठभूमि वाला ये विवाद है, तो इसका मतलब ये आपका कथन से ही उठाया गया वाक्य है, ये आपका राइट नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से ट्राई करिए। 14 में बोला जा रहा है कि मैं जब भी परेशानी में होता हूँ प्रभु का स्मरण करता हूँ, मतलब जब भी मैं परेशानी में होता हूँ तो प्रभु का स्मरण करता हूँ। पूर्व धारणा क्या क्या है, प्रार्थना से समस्याएं हल हो सकती है, प्रार्थना से समस्याएं हल हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए आप कभी भी परेशान होंगे तो आप किसे याद करेंगे, जो आपकी समस्या को हल कर सकता है। तो जो भी आप परेशान हो और प्रभु के स्मरण करते हैं तो ये आपका राइट
हो जाएगा कथन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो प्रार्थना से समस्याएं हल हो सकती है, यहाँ पे अगर ये बोला जाता है प्रार्थना से समस्याएं हल होगी तो वो नहीं हो सकता, शक्ति वाली बात है ना, शक्ति है, हो सकती है, क्या पता प्रार्थना से करने से समस्याएं हल हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका पहले वाला राइट हो जाएगा। मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना है, तो ये एक आम मतलब कोटेशन हो गई आपकी, ये आपका राइट नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे बोल देते कि मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना करना है या कुछ ऐसा, तो ये आपका कथन से कोई भी लेना देना नहीं है, ये एक आम मतलब बोल चाल हो गई जिसे बोल देते हैं, तो ये आपका राइट नहीं होगा, पहले वाला राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 15। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी कॉपी किताब हैं, कोई किताब पेंसिल नहीं है, तो यहाँ पे क्या बुक करेंगे आप, सबसे पहले सभी की सभी कॉपी को किताब बना देंगे और कोई भी किताब पेंसिल नहीं है तो एक पेंसिल का अलग से वेन डायग्राम बना देंगे। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है सभी पेंसिल रबर हैं, तो सभी की सभी जो पेंसिल है ये पेंसिल है, सभी की सभी पेंसिल आपकी रबर हो जाएंगी, तो आप समझ रहे हैं ना, सभी की सभी कॉपी किताब हैं और सभी की सभी पेंसिल आपकी रबर हो गई, ठीक है। किताब और पेंसिल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, पेंसिल और किताब के बीच में रिलेशन बताया गया नहीं है, रबर के बीच में नहीं का कोई रिलेशन नहीं बताया गया है। तो आपका यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई रबर किताब नहीं है, तो रबर और किताब के बीच में तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई है भाई, रबर और किताब के बीच में अगर बात नहीं की गई है तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच में नहीं का रिलेशन कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ नहीं का रिलेशन जो है वो कोई किताब पेंसिल नहीं है, किताब और पेंसिल के बीच में है, रबर और किताब के बीच में कोई नहीं बताया गया, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको हम राइट नहीं लगा सकते हैं। दूसरा है कुछ कॉपी रबर हैं, तो कॉपी और रबर के बीच में हो सकता है नहीं, क्योंकि ये आपका इसके अंदर हो गया, तो ई और रबर और कॉपी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बताया गया, तो ये भी आपका राइट नहीं होगा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन ही आपके रॉन्ग हो जाएंगे, कोई सा भी राइट नहीं होगा। तो 15 का राइट आंसर कौन सा रहेगा, ना ही ऑप्शन वन राइट और ना ही सेकेंड वाला राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 में है आपका, कुछ पे भोजन भोजे हैं और सभी भोजे मीठे हैं, तो आपने क्या किया, कुछ पे यानी कि आपका जो पे है, आपने कुछ पे भोजे है और सभी भोजे आपके मीठे हैं, इस तरीके से आपने एक वेन डायग्राम बना लिया। नहीं, इसमें बोला जाए कम से कम कुछ मीठे मीठा पेय है, तो कुछ मीठा पेय है, देखिए मीठा और पेय में आपका रिलेशन है कुछ वाला, तो आपका ये पहले वाला राइट कर जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा है सभी पेय मीठे हैं, तो सभी तो पेय मीठे नहीं हो सकते हैं, सभी पेय मीठे कब होंगे, जब पेय के ऊपर को आपका ये मीठे वाला वेन डायग्राम होता तब ये सभी पेय मीठे हो सकते थे, तो दूसरे वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है भाई। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो के 16 क्वेश्चन, अगर आपको ये पसंद आई है ना वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर तो जरूर करिएगा, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम का जो ये ग्रुप है वो मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी PDF मिलती रहती है। आशा करता हूँ कि आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़ाई करेंगे, सारी वीडियो देखेंगे, लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है कोई सी भी, तो ये सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप परचेज करिए। देखिए जो मेन प्रॉब्लम आती है ना, जब आप एग्जाम देने जाते हैं और दे के फिर वापस आते हैं तो क्या बोलते हैं आप आके, मैक्सिमम बच्चे जो मुझे कमेंट करते हैं, सर टाइम बहुत कम था, तो टाइम को मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा ये एक बार देख लीजिए। टाइम आपका मैनेज तभी होगा जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको जब फर्स्ट टाइम लैपटॉप पे बैठ के या कंप्यूटर पे बैठ के टेस्ट देते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि यार ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले आप एक बार कर लेते ना, घर पे हो जाता या फिर कहीं और हो जाता तो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाती, तो उसी के लिए ये टेस्ट बनाए जाते हैं। प्लस इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं, जिनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 20-20 टेस्ट है आपके, और बहुत ही सस्ते हैं, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता यार, 120 रुपये में, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग भी आती है, इसमें बनाने में खर्चा भी आता है और सब कुछ। और यहाँ पे आपको जो है ये कोड यूज करना है, इसमें 30 रुपये का डिस्काउंट मिलके आपका 120 रुपये का होगा, अदरवाइज यहाँ पे 150 रुपीज़ लिखा होगा, तो ये 30 रुपये डिस्काउंट होने के बाद में 120 रुपये का है। अगर आपको परचेज करना है तो लिंक यहाँ पे, ये त्रिभुज का जो साइन होता है उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, लाइक शेयर करते रहिएगा, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा।